हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। वैल्यू ऑफ सप्लाई हम पढ़ रहे थे, आज हमारा ये थर्ड वीडियो है वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर। सो वेलकम टू विजडम सिंप्लीफाइड। वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कर रहे हैं, हमने सबसे पहले देखा ट्रांजेक्शन वैल्यू एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1, फिर हमने कुछ रूल्स पढ़े, हमने 27, 28, 29, 30, 31, 31A कंप्लीट कर दिया। मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम सिर्फ और सिर्फ रूल 32 देखने वाले हैं। हमें रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई पता करने के लिए, सिंपल। लेकिन रूल कब अप्लीकेबल होता है? जब सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 अप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले तो हमको सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 ही देखना है। अगर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 अप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो जाके हमें रूल्स को देखना पड़ेगा फॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 27 से 31A कंप्लीट हो गया है, आज हम रूल 32 देखने वाले हैं। रूल 32, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 स्पेसिफिक केसेस। 5 ऐसे केसेस हैं जिसके बारे में रूल 32 में दिया गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे पता करें। तो ये 5 केसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले है परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग, मतलब फॉरेन करेंसी को बेचना खरीदना और उसको चेंज करना, मतलब डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर देना, डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट कर देना, मनी चेंजिंग, ये पहला केस है। सेकेंड, एयर ट्रैवल एजेंट, जो एजेंट है फ्लाइट की टिकट बुक करता है। थर्ड है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जहाँ पे हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स के केस में, और वाउचर्स, स्टैम्प्स, कूपन और टोकन, ये 5 स्पेसिफिक केसेस के बारे में कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई पता करें रूल 32 में प्रोविजन दिया गया है। तो अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई पता करते हैं। सबसे पहले है परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। 2 मेथड है इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई पता करने के लिए, कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेथड 1। मेथड 1 में सबसे पहले केस 1, ट्रांजेक्शन वेयर वन ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इज इंडियन रुपीस, मींस डॉलर को रुपया में कन्वर्ट कर दो या तो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर दो, मतलब जो भी करेंसी एक्सचेंज हो रही है इंडियन रुपीस में होनी चाहिए। मतलब ट्रांजेक्शन वेयर वन ऑफ द करेंसीज क्या होनी चाहिए? इंडियन रुपीस में एक्सचेंज होनी चाहिए। ये हमारा है केस 1, मेथड 1 का केस 1। हम किसकी बात कर रहे हैं? परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे पता चलता है? अगर आप फॉरेन करेंसी परचेस कर रहे हैं तो फॉर्मूला लगता है आरबीआई रेफरेंस रेट एट दैट टाइम माइनस बाइंग रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। कितनी फॉरेन करेंसी आप परचेस कर रहे हो? क्या फॉर्मूला, वापस रिपीट करता हूँ। RBI reference rate at that time minus buying rate, कौन से रेट पे परचेज कर रहे हो, into multiplied by total units of foreign currency, कितना foreign currency परचेज कर रहे हो। ये हो गया परचेज के केस में फॉर्मूला। अगर आप foreign currency सेल कर रहे हो तब फॉर्मूला होगा सेलिंग रेट, कौन से रेट पे सेल कर रहे हो, माइनस RBI का रेफरेंस रेट एट दैट टाइम मल्टीप्लाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इफ RBI रेफरेंस रेट फॉर अ करेंसी इज नॉट अवेलेबल, अगर RBI रेफरेंस रेट है ही नहीं तो दोनों फार्मूला काम नहीं करेगा। परचेज सेल कुछ भी कर रहे हैं, RBI रेफरेंस रेट है ही नहीं तो काम कैसे करेगा? तो उस केस में हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे पता चलता है? तो उस केस में जहाँ पे RBI रेफरेंस रेट नहीं अवेलेबल है तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाता है 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज प्रोवाइडेड या रिसीव्ड बाय द पर्सन चेंजिंग द मनी। क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई? 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीस। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एग्जांपल, ऑन 15th मे मिस्टर एक्स कन्वर्टेड $200 इनटू रुपीस 12,800 एट द रेट 64 पर USD। उन्होंने क्या किया, मिस्टर एक्स ने $200 को रुपए में कन्वर्ट कर दिया, रेट क्या था 64 के हिसाब से, थ्रू XYZ मनी चेंजर के थ्रू चेंज कर दिया डॉलर को रुपए में। आरबीआई रेफरेंस रेट ऑन 15th में, जिस दिन वो चेंज हुआ करेंसी 15 में को उन्होंने कन्वर्ट किया और उसी दिन पे आरबीआई रेफरेंस रेट क्या था हमारा, 65 पर USD था। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, सिंपल, आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट इनटू टोटल यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो आरबीआई रेफरेंस रेट कितना है 65, माइनस बाइंग रेट 64 इनटू टोटल यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी कितना है $200। तो अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा तो कितना आ गया 200। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो तब बोला गया था वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 1%
ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज। यहाँ पे इंडियन रुपीज कितना, 12,800। तो 12,800 का 1% ले लीजिए तो कितना हो जाता है, 128। तो ये 128 क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ये जो पांच स्पेसिफिक केसेस है वो सर्विस से रिलेटेड है, तो ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये था केस वन। अभी केस टू देखते हैं। केस टू में बोला है ट्रांजेक्शन वेयर नीदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज इंडियन रुपीज। मतलब केस वन में क्या बोल रहा था कि कोई भी एक करेंसी में दो, मतलब वन ऑफ द करेंसीज इंडियन करेंसी होनी चाहिए, इंडियन रुपीज होना चाहिए। यहाँ पे केस टू क्या बोल रहा है कि इंडियन करेंसी है ही नहीं। जैसे मैं मान लो, जो एग्जाम्पल लेता हूँ, डॉलर को आपने पाउंड में कन्वर्ट कर दिया या पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट किया, दोनों में से कोई इंडियन करेंसी थी नहीं, तो इस केस में हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट्स द पर्सन चेंजिंग द मनी वुड हैव रिसीव्ड बाय कन्वर्टिंग एट आरबीआई रेफरेंस रेट एनी ऑफ द टू करेंसीज इन इंडियन रुपीज, 1% ऑफ द लेसर टू अमाउंट्स। क्लियरिटी मिलती है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। एग्जाम्पल है US डॉलर 8,000 आर कन्वर्टेड इंटू UK पाउंड 3,500। डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट कर दिया, इंडियन करेंसी की बात आई नहीं, तो ये हमारा क्या है, केस टू है। RBI रेफरेंस रेट एट दैट टाइम फॉर डॉलर 66 था पर US डॉलर एंड पाउंड के लिए कितना था, 87 पर UK पाउंड। तो अब केस टू क्या बोल रहा था, जहाँ पर नीदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज इंडियन रुपीज, तो इस केस में मैं क्या कर रहा था, 1% ऑफ द लेसर अमाउंट लेना था। किस किस का लेसर अमाउंट लेना है, तो सिंपल है, जो आपका ये डॉलर है 8,000 उसको रुपए में कन्वर्ट करो, जो पाउंड है 3,500 उसको भी रुपए में कन्वर्ट करो, दोनों को रुपए में कन्वर्ट करो और देखो कौन सा कम है, जो कम है उसका 1% ले लो। अभी यहाँ पे US डॉलर 8,000 को एट द रेट 66 तो कितना आ गया, 5,28,000। पाउंड को भी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, 3,500 इंटू 87 3,04,500 आ गया, तो दोनों में से कौन सा है, 5,28,000 या फिर 3,04,500, दोनों में से कम कौन सा है, कम है 3,04,500, उसका 1% ले लो, हमारा क्या बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल, डॉलर है रुपए में कन्वर्ट करो आरबीआई रेफरेंस रेट के हिसाब से, पाउंड है रुपये में कन्वर्ट करो आरबीआई रेफरेंस रेट के हिसाब से, कन्वर्ट करने के बाद चेक करो कि कौन सा कम है, जो कम है उसका 1% ले लो, वही हमारा क्या बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये था मेथड वन। अभी मेथड टू। मेथड टू है बेस्ड ऑन स्लैब रेट। सिंपल है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, स्लैब रेट है। जैसे हमने इनकम टैक्स में स्लैब रेट पढ़ के रखे इंडिविजुअल के केसेस में, वैसे यहाँ पर भी है, स्लैब रेट है, बहुत सिंपल है। अगर आप जो करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो 1,00,000 तक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज और 250 व्हिचएवर इज हायर। अगर 1,00,000 तक है तो एक्सीडिंग 1,00,000 एंड अप टू 10,00,000, मतलब 1,00,000 एक रुपए से लेकर 10,00,000 है, तो 1,000 प्लस 0.50% ऑफ 9,00,000। 9,00,000 क्यों, 1,00,000 तो फर्स्ट केस में निकल गया, बचा कितना, 9,00,000 ही बचा। तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज माइनस 1,00,000, मतलब मीन्स सिंपली 9,00,000। जैसे हम इनकम टैक्स में स्लैब रेट लगाते हैं, सेम फंडा है, हमको यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा। अगर 10,00,000 से ज़्यादा हो गया तो 5,500 प्लस 0.1% ऑफ द ग्रॉस, 0.1% ऑफ द क्या, ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज माइनस 10,00,000 और 60,000 व्हिचएवर इज लोअर। ये आपको मेथड टू है जो है वो आप याद करना पड़ेगा, दिमाग में रखना होगा, बहुत ही सिंपल है, स्लैब रेट के हिसाब से है। कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, मेथड वन या मेथड टू। ये रूल 32 का फर्स्ट केस हुआ, फर्स्ट फाइव स्पेसिफिक केस में से पहला केस था। सेकेंड है एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल एजेंट के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, या वैल्यू ऑफ सर्विस बोले क्योंकि ये सर्विस से रिलेटेड है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 5% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल। अगर डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए टिकट निकाला गया है एजेंट ने, डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए एजेंट ने टिकट निकाला है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 5% ले लो बेसिक फेयर का। डोमेस्टिक ट्रैवल के केस में 5% ले लो, इंटरनेशनल ट्रैवल के केस में 10% ले लो, ये आपकी क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अब बेसिक फेयर क्या होता है, बेसिक फेयर मीन्स एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रैवल एजेंट बाय द एयरलाइंस। मतलब एयरलाइन जो एजेंट को कमीशन देती है जिस पे, उसी को हम क्या बोल देंगे, बेसिक फेयर। तो बेसिक फेयर क्या होगा, बेसिक फेयर मीन्स एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रैवल एजेंट बाय द एयरलाइन। सिंपल, बेसिक फेयर है तो 5% वैल्यू ऑफ सप्लाई,
डोमेस्टिक ट्रैवल के केस में, इंटरनेशनल ट्रैवल के केस में 10% ले लो बेसिक फेयर का, तो हमारा बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। डोमेस्टिक में 5% ऑफ बेसिक फेयर, इंटरनेशनल में 10% ऑफ बेसिक फेयर। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, इसमें पहला है हमें देखना है इन केस ऑफ पॉलिसी विद ड्यूल बेनिफिट ऑफ रिस्क कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों की फैसिलिटी मिले उस केस में हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा ग्रॉस प्रीमियम चार्ज माइनस अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग्स। यूलिप इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जहाँ पर हम जो प्रीमियम का पैसा पे करते हो कुछ हिस्सा हमारे इंश्योरेंस की तरफ चले जाता है और कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाता है। जो भी हम प्रीमियम का पैसा पे करते हो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक कुछ इंश्योरेंस के लिए चले जाएगा और एक इन्वेस्टमेंट के लिए चले जाएगा। इसको हम बोलते हैं ड्यूअल बेनिफिट ऑफ रिस्क कवरेज। इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाता है ग्रॉस प्रीमियम चार्ज माइनस अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट। कंडीशन है यहाँ पर एक, इफ सच अलोकेशन इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, जब हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं तब हमें पॉलिसी होल्डर को ये बताना होता है। अगर सिंगल प्रीमियम एन्यूटी पॉलिसी है तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर। कोई और केस है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 20% ऑफ प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में हमें 25% लेना है और सब्सिक्वेंट ईयर्स में 12.5% से हमें प्रीमियम जो भी चार्ज होता है वही हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इन केस ऑफ रिस्क प्रीमियम ओनली, जहाँ पर सिर्फ रिस्क प्रीमियम है वहाँ पर हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाता है एंटायर प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर। ये था लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के रिलेटेड में वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस। ड्यूअल बेनिफिट, सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, रिस्क प्रीमियम ओनली और अदर केसेस में। सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स में क्या होगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। कंडीशन है सेकेंड हैंड गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई सिंपल होता है सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो भी अमाउंट आ गया वो क्या बन जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, इफ सेकेंड हैंड गुड्स इज सोल्ड एज सच, जैसा है वैसे बिके एज सच, या फिर और आफ्टर सच माइनर प्रोसेसिंग विच डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ गुड्स, या फिर कुछ माइनर प्रोसेसिंग कर लो जो लेकिन गुड्स के नेचर को चेंज नहीं करता, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है नो ITC हैज बीन अवेल्ड ऑन परचेज ऑफ सच सेकेंड हैंड गुड्स, कोई ITC नहीं मिलना चाहिए, तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। इसको हम बोलते हैं मार्जिन स्कीम, क्या बोलते हैं इसको हम मार्जिन स्कीम बोलते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस कर दो और वैल्यू निगेटिव हो गई तो इग्नोर कर दो, सेलिंग प्राइस जहाँ पर लेस देन परचेज प्राइस है तो इग्नोर निगेटिव वैल्यू। यहाँ पर डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए मार्जिन स्कीम को लाया गया है, क्योंकि जब गुड्स नया होगा तब GST लगा ही होगा तो डबल टैक्सेशन न लगे, इसके लिए सिर्फ मार्जिन स्कीम बेसिस पे क्या होती है GST चार्ज होता है। अगर ITC अवेल कर लिया गया है तो कंडीशन क्या था कि ITC अवेल नहीं करना है, लेकिन अगर ITC अवेल कर लिया है तो इस सप्लाई को सच सप्लाई इज गवर्न बाय नॉर्मल GST वैल्यूएशन प्रोविजन, तो नॉर्मल GST वैल्यूएशन प्रोविजन के हिसाब से वैल्यू सप्लाई पता करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस एनी अदर वैल्यू इज एडेड बाय वे ऑफ माइनर प्रोसेसिंग ऑन गुड्स देन सेम सेल ऑल्सो बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड द पार्ट ऑफ द मार्जिन। अगर कुछ माइनर प्रोसेसिंग या कुछ भी कॉस्ट वोस्ट है उसको भी हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। द पर्सन सेलिंग द गुड्स टू द परचेसर कैन नॉट इश्यू टैक्सेबल इनवॉइस नहीं इश्यू कर सकता और सिंपल है ITC भी नहीं ले सकते। ये रहा सेकेंड हैंड गुड्स। अभी हम बात करने वाले हैं ये इसी सेकेंड हैंड गुड्स का ही ये पार्ट है, ये अलग सी स्पेसिफिक केस नहीं है, सेकेंड हैंड गुड्स का ही पार्ट है। क्या बोल रहा है ये, परचेज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने मान लीजिए कोई लोन पे गाड़ी खरीद ली, EMI पे कर रहे हैं, EMI एक टाइम ऐसा है कि हम नहीं पे कर पा रहे, तो इसे केस में क्या करता है, उन्होंने बैंक से लोन लिया, बैंक वाले क्या करते हैं गाड़ी लेके चले जाते हैं, बैंक वाले गाड़ी लेके चले गए तो गाड़ी क्या करेंगे गाड़ी को बेच देंगे। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे पता चलेगा, क्या वो वापस कहानी लोन लिया हम लोगों ने गाड़ी खरीदी EMI पे कर रहे थे EMI नहीं पे कर पाए गाड़ी उठा के लेके गई बैंक और बैंक को गाड़ी अब बेचने वाली, तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा बैंक के लिए। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा सेल प्राइस ऑफ द गुड्स, जो भी सेल प्राइस होगा, माइनस परचेस वैल्यू ऑफ द गुड्स, परचेस वैल्यू ऑफ द रिपोजेस्ड गुड्स, मतलब सेल प्राइस जो भी होगा। अब बैंक को कार तो उठा के लेके गई अपने पास तो रखेगी उसको बेच देगी, उसमें से माइनस क्या करेगी परचेस वैल्यू।
अब ये परचेस वैल्यू कैसे पता करते हैं? सेल्स प्राइस और सिंपल बैंक बेचेगी तो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अभी परचेस वैल्यू कैसे पता करे वो हमको देखना है यहाँ पर। तो परचेस वैल्यू कैसे पता करते हैं? सबसे पहले चेक करेंगे जो डिफॉल्टिंग बोरोवर है वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर अनरजिस्टर्ड है तो परचेस वैल्यू होता है परचेस प्राइस ऑफ द बोरोवर माइनस 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। मीन्स एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे बोरोवर मान लीजिए हम लोग ने गाड़ी खरीदा, मैं बोरोवर हूँ, मैंने 20 लाख की गाड़ी खरीदी, तो ये परचेस प्राइस हो गया मेरे लिए 20 लाख की गाड़ी। अब क्या बोल रहा है, माइनस करो 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, 5% माइनस करते रहो हर एक क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ के लिए। अब इसके लिए 5% के लिए डेट काउंट करना होगा। डेट कहाँ से काउंट करना है? बिटवीन द डेट ऑफ परचेस, जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदी वो डेट से लेकर डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन मेकिंग सच रिपोजेशन, मतलब डेट ऑफ परचेस से लेकर डेट ऑफ आपको रिपोजेशन देखना है, सॉरी डेट ऑफ डिस्पोजल देखना है। मीन्स मैंने खरीदा गाड़ी तो मेरे लिए डेट ऑफ परचेस हो गया, लेकिन बैंक कब वो डिस्पोज कर रहा है गाड़ी को, मतलब बेच रहा है मान लीजिए, तो वो डेट देखना है। इसमें ये डेट नहीं देखना है कब मैंने ईएमआई देना बंद कर दिया या कब बैंक ने मेरे से गाड़ी उठा के लेके चले गया, ये डेट नहीं देखना है। डेट हमें क्या देखना है? डेट ऑफ परचेस, मतलब मैंने गाड़ी कब खरीदी, और डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द बैंक, हमारे एग्जाम्पल में बैंक, तो ये डेट देखना है। मान लीजिए मैंने 1 जनवरी 2019 को गाड़ी खरीदी थी और 31 दिसंबर को मैंने ईएमआई देना बंद कर दिया, 31 दिसंबर के बैंक गाड़ी उठा के लेके चली गई, तो हमको 31 डेट नहीं देखना, हमको ये डेट देखना है कि किस दिन बैंक ने उस कार को क्या क्या डिस्पोज किया। मान लीजिए बैंक ने कार को फेब में डिस्पोज किया, फेब 2020, तो अब डेट कहाँ से कहाँ देखोगे? 1 जन मेरा डेट ऑफ परचेस से लेकर मान लीजिए 1 फेब को क्या किया उसने, 1 फेब या 15 फेब को गाड़ी को डिस्पोज कर दिया, तो कितने क्वार्टर होते हैं? 1 जन से 31 दिसंबर 4 क्वार्टर हो गए, उसके बाद जैन और फेब, भले 2 महीना हो गया लेकिन हम उसको क्या करेंगे, पूरा क्वार्टर काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पार्ट देयर ऑफ। तो कितने क्वार्टर हो गए? 5 क्वार्टर। एक क्वार्टर के हिसाब से 5% हो रहा था, 5 क्वार्टर के हिसाब से कितने हो गए? 25%। तो 25% वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। मैंने एग्जाम्पल लिया था, जैसे मैंने गाड़ी 20 लाख की खरीदी है तो 20 लाख में से 25% माइनस कर दीजिए, तो 20 लाख माइनस 25% ऑफ 20 लाख तो कितना होता है? 25% 5 लाख हो रहा है, तो 20 लाख माइनस 5 लाख 15 लाख, तो परचेस वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख। अब मान लीजिए उसने सेल किया होगा बैंक वाले ने 15 लाख 50 हज़ार में, तो सेल प्राइस 15 लाख 50 हज़ार माइनस परचेस वैल्यू 15 लाख, 15 लाख 50 हज़ार माइनस 15 लाख बचता है 50 हज़ार, वो क्या हो जाएगा? हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर जो डिफॉल्टिंग बोरोवर रजिस्टर्ड है, ये हमने अब तक पढ़ा जो भी था अनरजिस्टर्ड के केस में, कि क्या करना है हमको, परचेस प्राइस ऑफ द बोरोवर लेना माइनस 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। लेकिन अगर डिफॉल्टर बोरोवर जो है वो रजिस्टर्ड है, तब इस केस में क्या होगा? जीएसटी विल बी डिस्चार्ज एट सप्लाई वैल्यू विदाउट एनी रिडक्शन फ्रॉम एक्चुअल या फिर नोशनल परचेस वैल्यू। अब बात करते हैं हम रिडीमेबल वाउचर्स स्टैम्प्स, अदर देन पोस्ट स्टैम्प की बात नहीं चल रही यहाँ पे, कूपन और टोकन्स, रिडीमेबल वाउचर हो स्टैम्प्स हो, अदर देन पोस्टेज स्टैम्प्स कूपन्स और टोकन्स, तो इसके इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन वाउचर कूपन, मतलब वाउचर देके कुछ आपने सामान खरीद लिया तो उस सामान की मनी वैल्यू क्या थी, वही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बहुत बार ऐसा ना वाउचर्स हमको मिला कि जाओ शॉपिंग कर लो, तो हम शॉपिंग करने गए, कुछ सामान खरीद लिया हम लोगों ने, तो उस सामान का वैल्यू मनी वैल्यू क्या होगा, वही हमारा क्या बन जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। यहाँ पर हमारे 5 स्पेसिफिक केस खत्म होते हैं, हमने सिर्फ रूल 32 देखा है, अभी हमारा रूल बचता है रूल 33, 34 और 35, वो हम बहुत जल्दी में उसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़, यूट्यूब चैनल विजडम सिंप्लीफाइड।